अगस्त में हो गया था डिसाइड, जनवरी में नहीं आएगी 2.0। अब छोटे भाई से भिड़ेंगे अक्षय, अक्षय कुमार और रजनीकांत की मैग्नम ओपस फिल्म 2.0 रिपब्लिक डे पर रिलीज नहीं होगी। इसका फैसला अगस्त में ही हो चुका था। ये भी तय हो चुका था कि इसकी जगह अक्षय की एक और फिल्म 2.0 रिलीज की जाएगी, जो पहले 2018 के अप्रैल महीने में रिलीज होने वाली थी। हालांकि तारीखों के इस बदलाव की खबर को कंफर्म नहीं किया गया था। जागरण.com ने इस बारे में अपने पाठकों को अगस्त के महीने में ही बता दिया था और रविवार को अक्षय कुमार का ट्वीट आने के बाद जागरण की खबर पर मुहर लग गई है। रविवार को अक्षय ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पैडमैन अगले साल 26 जनवरी को सिनेमा घरों में आ रही है। अभी 2.0 की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया गया है, मगर माना जा रहा है कि अप्रैल में रिलीज हो सकती है। 2.0 की रिलीज में विलंब होने की वजह इसमें VFX का काम बाकी होना बताया जा रहा है। पैडमैन को अक्षय की बेटर हाफ ट्विंकल खन्ना प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि आर बालक की फिल्म के डायरेक्टर हैं। तारीखों की इस अदला बदली का दिलचस्प पहलू ये है कि 2.0 की रिलीज डेट भी दूसरी बार खिसकाई जा रही है। पहले ये फिल्म इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी, पर संभवत अजय देवगन की गोलमाल अगेन और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार से टक्कर टालने के लिए इसे 26 जनवरी तक पोस्टपोन किया गया था। पैडमैन की टक्कर नीरज पांडे निर्देशित अयारी से होगी, जो अगले गणतंत्र दिवस पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल निभा रहे हैं। सिद्धार्थ करण मल्होत्रा निर्देशित ब्रदर्स में अक्षय कुमार के छोटे भाई का किरदार निभा चुके हैं। 26 जनवरी को ये दोनों आमने सामने होंगे। बताते चलें कि पैडमैन अरुणाचलम मुरुगानाथम की कहानी है, जिन्होंने सस्ते और सुरक्षित सेनेटरी पैड बनाकर ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी में क्रांति लाने का काम किया था। फिल्म में सोनम कपूर और राधिका आप्टे भी अहम किरदारों में दिखाई देंगी।